Hello everybody, today we'll be discussing the pharmacological classification of local anesthesia, which is one of the very important questions, and also local anesthesias are frequently used in the dentistry field, so you should know everything about them. So now let's begin with the pharmacological classification and general introduction of local anesthesia. Local anesthesias are the drugs which, when applied topically or injected locally, block the nerve conduction, and nerve conduction ko block karke it causes reversible loss of sensation. Sensations loss hote hain, but only in the parts that are supplied by the nerve jisme injection diya gaya hai ya jahan pe topical application of local anesthesia kiya gaya hai. उसके बाद द ऑर्डर ऑफ ब्लॉकेज इसका जो है इट इज़ एज पहले पेन जाता है, उसके बाद टेम्परेचर जाता है सेंसेशन, उसके बाद टच सेंसेशंस चला जाता है एंड फाइनली मसल पार भी चला जाता है. इसका साइट ऑफ एक्शन याद करना ज़रूरी है, एक्सोनल मेम्ब्रेन पे होता है. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट LA एंड GA में मेजर डिफरेंस ये है कि LA जो है उसका साइट ऑफ एक्शन लोकल है एंड जनरल एनेस्थीसिया तुम्हारे होल बॉडी के सेंसेशन को लॉस कर देता है. एंड देयर इज़ रिमार्क्ड रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि हमारा LA में नहीं होता है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लासिफिकेशन. Now, LA is classified on the basis of clinical use and on the basis of the structure. Based on its clinical use, it can be either injectable or surface anesthesia. Injectable local anesthesia is divided based on its potency. So, ये तीन तरह का हो सकता है, द वन विद द लो पोटेंसी, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी. जिसकी पोटेंसी कम है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम है एंड सिमिलरली फॉर द हाई पोटेंसी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है. सो नाउ लेट्स बिगिन टू लर्न ऑल द इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थीसिया. सबसे पहले लो पोटेंसी जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी शॉर्ट होता है, उसमें आते हैं दो मेडिसिंस, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन. प्रोकेन का थेरापेटिक यूज़ होता है सूचरिंग ऑफ कट वंड्स में एंड प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ वेरी शॉर्ट, लाइक 15 to 30 minutes ऐसा कुछ. एंड जो हमारा प्रोकेन है इट इज़ also an infiltration anesthesia. Also please note that कि यहाँ पे we are just discussing the classification, I'm not teaching you the whole topic. But classifications जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगर classifications जब जहाँ हम लिख रहे होते हैं अगर हम वहीं पे छोटे छोटे points लिख लेंगे ना, like प्रोकेन जो है वो suturing of cut wounds में help करता है, उसका duration of action short होता है, तो it'll be easier जब आप classifications revise कर रहे हो तो उसके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी theory भी revise हो जाएगी. ठीक है, तो आप जहाँ पे भी ये classification लिख रहे हो वहाँ आप प्रोकेन के bracket में ऐसे एक दो points जो important है वो लिख लो. सो इंजेक्टेबल्स हमारे पास लो पोटेंसी वाले ड्रग में दो हैं, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन. उसमें जो प्रोकेन है इट इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग फॉर योर एस्टर्स. स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे दो होते हैं, एस्टर्स और एमाइड्स. तो उसमें से एस्टर्स का भी एग्जांपल जो है वो प्रोकेन है. नाउ प्रोकेन इज़ रेयरली यूज्ड क्योंकि अब बेटर एजेंट्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, बेटर मेडिसिंस आ चुकी हैं एंड उसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स हैं, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज़ प्रोकेन नाउ. सो आर नेक्स्ट मेडिसिंस आर इंटरमीडिएट पोटेंसी जिसका इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी होता है. सो इसमें वी हैव टू ड्रग्स, लीडोकेन एंड प्रीलोकेन. लीडोकेन इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन. एंड नाउ हमने पढ़ा था कि प्रोटोटाइप ड्रग जो है एस्टर्स के लिए प्रोकेन है. बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स दो होते हैं, एस्टर्स और अमाइड. एस्टर्स के लिए हमारा प्रोटोटाइप था प्रोकेन और एमाइड्स के लिए हमारा प्रोटोटाइप है लिग्नोकेन.
नाउ लिग्नोकेन इज़ वेरी पॉपुलर एनेस्थीसिया टॉपिकली जब भी हम देते हैं या फिर इनफिल्ट्रेशन से तो वी यूज़ लिग्नोकेन एंड दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल एज पैचेस और ये अब न्यूरेल्जिया के पेन को कंट्रोल करने के लिए भी हम लिग्नोकेन इंजेक्ट करते हैं या टॉपिकली देते हैं. सो हमारे सरफेस एनेस्थीसिया के भी एग्जांपल में लिग्नोकेन या लिडोकेन आता है. इट इज़ सॉल्यूबल ड्रग. सो सरफेस एनेस्थीसिया हमारे पास दो तरह के होते हैं, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. तो सॉल्यूबल ड्रग के एग्जांपल में भी हमारा लिग्नोकेन आ जाएगा. सो हमने याद करा प्रोकेन जो है वो लो पोटेंसी इंजेक्टेबल्स है एंड प्रोटोटाइप एस्टर्स है. तो दो सेम मेडिसिन दो जगह यूज़ हो रही है. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन लिखते वक्त इट विल बी ईजियर अगर आप ऐसे याद करोगे कि हाँ एक सिमिलर ड्रग को ही दो तीन जगह पे लिख दिया. उसके बाद लिडोकेन जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट पोटेंसी ड्रग एंड लिडोकेन इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूबल सरफेस एनेस्थीसिया. लिग्नोकेन इज़ लाइक वास्टली यूज इन डेंटिस्ट्री. इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं, जैसे कि मैक्सिलरी इंजेक्शंस में व्हेन वी आर ट्रीटिंग द एपेक्स ऑफ द टूथ और दिस इज़ टू एनेस्थेसाइज योर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी. जब हम स्केलिंग करते हैं तो भी कभी कभी पेन हो जाता है, तो उसमें भी जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो इट इज़ अ सर्फेस एनेस्थीसिया. वो लिग्नोकेन यूज़ करते हैं. और पैपिलरी इनफिल्ट्रेशन के वक्त भी जब रूट कैनाल करते हैं उस वक्त, उसके बाद एब्सिस ड्रेनेज में भी ये यूज़ कर सकते हैं. सूचरिंग ऑफ कट वूंड्स में भी, सूचरिंग ऑफ कट वूंड्स में प्रोकेन भी यूज़ हो रहा था इफ़ यू रिमेम्बर. दी नेक्स्ट ड्रग इज़ पायरेलोकेन. पायरेलोकेन इज़ ऑल्सो अमाइड. अमाइड का हमें दो एग्जाम्पल्स अब पता है, लिग्नोकेन या लिडोकेन एंड पायरेलोकेन. अब पायरेलोकेन का एक पॉइंट ये है कि इट इज़ अमाइड एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा ना कम. एंड अगर इसका ज़्यादा यूज़ किया जाए तो मिथ हीमोग्लोबिनीमिया भी हो सकता है एंड इसका वैसोडाइलेट्री इफ़ेक्ट काफ़ी कम होता है. हैंस इट कैन बी यूज विदाउट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स. नाउ लेट्स डिस्कस द ड्रग्स विथ हाई पोटेंसी जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है. सो वी हैव फोर ड्रग्स, टेट्राकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन एंड डाइब्यूकेन. सो द मोस्ट यूज्ड हाई पोटेंसी ड्रग इज़ ब्यूपिवाकेन. इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एज क्लासिफिकेशन से इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसका. इट प्रोड्यूसेस मोर सेंसरी देन मोटर ब्लॉकेज. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टेट्राकेन. ये एस्टर्स है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है. इन दिस वे अगर ना किसी भी ड्रग के बारे में कुछ लिखने आ रहा है तो आप क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही दो चार पॉइंट बना सकते हो. देखिए एस्टर्स है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है. बट टेट्राकेन का जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है इट इज़ स्लो. इसके यूजेस कुछ कुछ देख लेते हैं. ये यूजुअली यूज़ होता है फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है. सो जिस भी ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर योर स्पाइनल एनेस्थीसिया. एंड लाइक योर लिडोकेन, ब्यूपिवाकेन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मैक्सिलरी इंजेक्शंस अबव द एपेक्स ऑफ द टूथ व्हिच इज़ टू बी ट्रीटेड. एज आई सेड ब्यूपिवाकेन अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में, बट ब्यूपिवाकेन का इम्प्रूव्ड वर्जन लीवो ब्यूपिवाकेन जो है अब वो मार्केट में आ चुका है, विच इज़ लेस कार्डियोटॉक्सिक एंड वो सीजर्स कम कॉज करता है. यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ब्यूपिवाकेन इज़ कॉजिंग सीजर्स. इट इज़ ऑल्सो लाइक अभी आई सेड कि इट प्रोड्यूसेस मोर सेंसरी देन मोटर ब्लॉकेज. सो इसलिए इसको ऑब्स्टेट्रिक एनल्जीसिया में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ हाईली कार्डियोटॉक्सिक जिसकी वजह से लीवियो ब्यूपिवाकेन
मार्केट में आया विच इज़ लेस कार्डियोटॉक्सिक. नाउ लेट्स डिस्कस रोपीवाकिन. ये इसका पोटेंसी इज़ लाइक लेसर देन योर ब्यूपीवाकिन. कार्डियोटॉक्सिक भी कम होता है ये एंड इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ एपिड्यूरल एंड रीजनल एनेस्थीसिया. नाउ लेट्स डिस्कस डाइब्यूकेन. डाइब्यूकेन का पोटेंसी इज़ वेरी हाई. इसका टिश्यू पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा है एंड बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज टॉपिकल एनेस्थीसिया फॉर एनल म्यूकस मेम्ब्रेन. यानी कि दिस इज़ अ टॉपिकल ड्रग ऑल्सो. यानी सर्फेस एनेस्थीसिया में भी हम इसे लिख सकते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद दी सर्फेस एनेस्थीसिया. सर्फेस एनेस्थीसिया को हम अप्लाई करते हैं ऑन अब्रेडेड स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज का, ओरल कैविटी, आइज, थ्रोट, ईसोफेगस या फिर बर्न्स पे. एंड द मोटर फंक्शन इज इंटैक्ट इन दिस. द सर्फेस एनेस्थीसियाज आर अवेलेबल एज सोल्यूशंस, ऑइंटमेंट, जेल, जेली, फिर पैचेस में आते हैं एज स्प्रेज, क्रीम्स. And as we have studied earlier that adrenaline is contraindicated with the anesthesia, with the surface anesthesia, क्योंकि इसका penetration जो होता है वो कम होता है. But topical anesthesia are useful before injecting your local anesthesia, subgingival and periodontal skin. Now let's discuss the classification for the surface anesthesia. इसकी chemical composition के basis पे soluble और insoluble में हम इसे classify करते हैं. But अगर examination में आपको इतना याद नहीं रहता है तो आप surface anesthesia के कुछ examples लिख सकते हो, like your lidocaine, tetracaine जैसा हमने discuss किया था, and इतना काफ़ी होगा. But अगर आपको अच्छे से लाइक उसकी केमिकल कम्पोजिशन के साथ याद करना है तो इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी. या तो ये सॉल्युबल हो सकता है या तो फिर ये इनसॉल्युबल हो सकता है. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक एरोमेटिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है. जो एरोमेटिक ग्रुप होता है वो लिपोफिलिक होता है एंड द अमाइनो ग्रुप इज़ हाइड्रोफिलिक. और इसी बेसिस पे हम उसकी सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन करते हैं. एंड अगर सॉल्युबल है तो इट कैन बी कोकेन, लीडोकेन, टेट्राकेन. एंड अगर इनसॉल्युबल है तो इट कैन बी बेंजो कोकेन, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट एंड ऑक्सी इथाजेन. Based on its structure, it can be classified as either esters or amides. Esters का prototype we have learned procaine और amide का lignocaine या lidocaine. Now इसको हम इसका difference जो है it can come as a short note. हम वो भी थोड़ा अभी ही discuss कर लेते हैं. जो esters type के local anesthesia होते हैं it is short acting और amide जो है वो intermediate acting होते हैं. अमाइड्स का टिश्यू पेनिट्रेशन इज़ वेरी नाइस, वेर एज एस्टर्स का टिश्यू पेनिट्रेशन इज़ नॉट दैट गुड. एस्टर्स का एक्शन जो होता है दैट इज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड अमाइड्स का रैपिड एक्शन होता है. नाउ एस्टर्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज. मतलब यूजुअली एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं दे आर कॉमन इन एस्टर्स और एलर्जीज कम होती है इन योर लिग्नोकेन. एंड इसलिए लिग्नोकेन का यूज़ भी हम लोग ज़्यादा करते हैं लाइक स्पाइनल, एपिड्यूरल, मतलब हर टाइप के एनेस्थीसिया में हम लिग्नोकेन को यूज़ करते हैं. द डिफरेंस टेबल इज़ फ्रॉम शानबाग. आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए एंड लर्न दिस टेबल, क्योंकि I believe this can come as a short note. Now let's begin with the classification again. Esters or amide ka humne comparison dekh liya and now we have to learn the examples. Hume iske prototypes already pata hai. Ek mein protocaine aur ek mein procaine aur ek mein lignocaine. And to learn this, esters, cocaine, procaine naam similar hai. You can learn that way. Jo bhi esters hain usme कोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, बेंजोकेन एंड टेट्राकेन. अब एमाइड्स में लिग्नोकेन यू नो,
पायरेलोकेन भी मैंने बताया था कि एमाइड होता है एंड रोपीवाकेन भी एमाइड होता है. तो व्हेन वी वर स्टार्टिंग आवर इंजेक्टेबल्स उसी वक्त हमने सारे मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था. सो वी नीड नॉट स्टडी इट नाउ. एंड अगर किसी एक मेडिसिन पे शॉर्ट नोट आता है लाइक फॉर योर 3 मार्कर्स जो अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आता है, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी में शॉर्ट नोट्स नहीं आते हैं जो 3 या 2 मार्क्स के होते हैं, यूजुअली 5 मार्क क्वेश्चंस ही आते हैं. तो अगर ऐसे किसी एक मेडिसिन पे कुछ लिखने आता है तो आप पहले तो क्लासिफाई कर सकते हो एंड द ब्रीफ इंट्रोडक्शन विच आई गेव अबाउट ईच मेडिसिन अगर वो हम लिख देते हैं तो योर लाइक शॉर्ट नोट वुड बी कम्प्लीट. सो क्लासिफिकेशंस को ही रिवाइज करते करते आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है. और वॉट आई वुड सजेस्ट इस कि ये जो क्लासिफिकेशंस वाले वीडियो हैं इसको आप बस एक पेज में लिखो लाइक क्लासिफिकेशन एज इट इज़ लिखा हुआ है एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसको ब्रैकेट में एडजस्ट करने का ट्राई करो सो दैट लास्ट टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस है आपके वो एक एक पेज में हो एंड लाइक रिवाइज करने में ईजी हो, क्योंकि पूरी बुक तो ऑब्वियस है लाइक लास्ट मोमेंट तक याद नहीं हो पाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Also, if you want ऐसा कोई detailed video about some topics, तो please comment below. And अगर आपको notes चाहिए या कुछ तो you can DM me. I'll send you that from my Instagram ID. And I would like really suggest कि जो notes होते हैं वो लेने की बजाय किसी से आप खुद से बनाओ. And note should be very concise. मतलब एक पेज में आपने पूरी classification लिख ली है एंड देन आप जब अलग से लिख रहे हो तो आप बस मैकेनिज्म और एडवर्स इफ़ेक्ट लिख सकते हो एंड नहीं तो फिर बुक से भी हो जाता है. ओके दैट्स ऑल. प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.